में भी हम कुछ बात करेंगे। सो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहला जो इशू हमें डिस्कस करना है दैट इज रिलेटेड विथ RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब ये RCEP क्या है और उसका भारत से क्या संबंध है, वी विल ट्राई टू डिस्कस दैट पर्टिकुलर थिंग। नाउ सी, RCEP, व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ RCEP? रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। नाम में ही जैसे है, इट इज द पार्टनरशिप, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, आर्थिक चीजों से संबंधित, इकोनॉमिक आस्पेक्ट से संबंधित, अलग अलग देशों के बीच में का ये एक तरह का करार है, ये एक तरह की पार्टनरशिप है, ये एक तरह का एग्रीमेंट है। और ये एग्रीमेंट किस तरह का है? कॉम्प्रिहेंसिव, सर्वसमावेशक, आर्थिक चीजों से संबंधित सर्वसमावेशक, इस तरह की ये साझेदारी, इस तरह की ये भागीदारी। और ये संपूर्ण विश्व के लिए नहीं है, एक पर्टिकुलर रीजन के कुछ कंट्रीज के बीच में की ये आर्थिक चीजों से संबंधित भागीदारी है, इसकी वजह से इसका नाम है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। हमें जैसे पता है 15 नवंबर 2020, जस्ट अभी 15 नवंबर 2020 को RCEP अस्तित्व में आ गया, जिसमें एक नहीं दो नहीं तो टोटल 15 देशों का समावेश है। सो विश्व के 15 महत्वपूर्ण देशों के बीच में ये इस तरह का आर्थिक चीजों से संबंधित एक करार हुआ, जिसे हम कहते हैं रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो कितने देश इसमें सहभागी है? 15 देश उसमें सहभागी है। तो बेसिकली ये स्टोरी कहां से शुरू हुई? ये स्टोरी शुरू हुई 2012 में। तो 2012 में वियतनाम नाम का एक जो देश है, उस वियतनाम नाम के देश में एक कॉन्फ्रेंस हुई और वहां पे जब चर्चा हुई, तब से जाके इस रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से संबंधित चर्चा हुई। इनिशियली इसमें 16 देश सहभागी थे, टोटल 16 कंट्रीज वेयर देयर, और ये 16 देश जो है वो चर्चा कर रहे थे। क्या चर्चा कर रहे थे? कि इन 16 देशों के बीच में आर्थिक संबंध बढ़े, इन 16 देशों के बीच में, उनके बीच में अलग अलग तरह का व्यापार, इन देशों के बीच में का व्यापार बढ़े, और उस व्यापार बढ़ने से संबंधित जो अलग अलग कर प्रणाली है, जो अलग अलग टैक्सेस है, तो उन टैरिफ को, उन टैक्सेस को किस तरीके से कम किया जाए, जिसके माध्यम से इन देशों के बीच में का व्यापार बढ़े, इसके संबंध में उन्होंने चर्चा की। तो ये शुरुआत कब से हुई? 2012 से हुई, चर्चा की शुरुआत हो गई 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, चर्चा करते रहे, अलग अलग चीज़ों के ऊपर जो है वो चर्चा हुई। और 2019 के नवंबर दिसंबर तक हम पहुंच गए और बैंकॉक में इनकी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, इनकी ये चर्चा चल रही थी। तो बैंकॉक के कॉन्फ्रेंस में भारत ने ये निर्णय लिया कि हम इस RCEP का, जो आप रूल्स रेगुलेशंस बनाने जा रहे हो, हम इस RCEP का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। भारत ने 2019 के नवंबर दिसंबर में ही फैसला कर लिया कि हम RCEP का हिस्सा नहीं बनेंगे, ओके? और अब 2020 में 15 नवंबर 2020 को एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई, और ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये RCEP अस्तित्व में आ गया, जिसमें 15 देशों का समावेश है। और जैसे मैंने कहा, इनिशियली 16 थे, भारत उसने कहा कि हम इसमें सहभागी नहीं होंगे, तो अब इस RCEP में कितने देशों का समावेश है? 15 देशों का समावेश है। सो यहाँ पे पॉइंट नंबर मैंने क्या बताया, 2012 से RCEP बनाने के बारे में चर्चा शुरू हो गई, 2019 में भारत में उसमें सहभागी होने का निर्णय लिया कि हम उसमें सहभागी नहीं होंगे, और 2020 में 15 नवंबर 2020 को RCEP अस्तित्व में आ गया, जिसमें 15 देशों का समावेश है। अब ये RCEP में है कौन, हु आर दी कॉम्पोनेंट्स, या कौन से ये 15 देश हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है उसे हम कहते हैं आसियान नेशंस, आसियान, ASEAN, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, नाम में ही है, एशिया के साउथ ईस्ट में जो रहते हैं या साउथ ईस्ट में जिनका ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ऐसे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दैट इज नोन एज
आसियान नेशंस, तो आसियान में कितने देशों का समावेश है? 10 देशों का समावेश है। प्लस इन एडिशन टू दैट देयर विल बी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, करेक्ट। सो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया, ये हो गए 4 देश, और उनके साथ में द बिग ब्रदर चाइना। सो टोटल 15 देश जो आरसीईपी में जिनका समावेश है, या इन 15 देशों ने ठान ली है कि हम एक दूसरे के बीच में व्यापार बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के बीच में अलग अलग चीज़ों का व्यापार बढ़ाने के लिए, उसके संबंधित जो कर प्रणाली है, उसके ऊपर जो कर लगने वाले हैं, उसको हम कम करेंगे। तो ये कितने राष्ट्रों ने डिसाइड किया? 15 राष्ट्रों में। इनमें किन का समावेश है? आसियान नेशंस, जो 10 राष्ट्र है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ब्रुनई, ये छोटे 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 जो राष्ट्र है, हम जिसे बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया के राष्ट्र, और इनका 10 राष्ट्रों का एक समूह है, वो 10 आसियान राष्ट्र, उसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना, ऐसे 15 देशों का इस आरसीईपी में समावेश है। सो पॉइंट नंबर 1, चर्चा शुरू हुई 2012 में, भारत ने निर्णय लिया 2019 में हम समाविष्ट नहीं होंगे, 2020 में 15 नवंबर 2020 में आरसीईपी अस्तित्व में आया, और आरसीईपी में कितने देश है? टोटल 15 देश है। कौन से देश है? 10 आसियान नेशंस, और उनके साथ में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना। ओके, तो ये 15 देश जो है ये इस आरसीईपी नाम के एग्रीमेंट में समाविष्ट हुए। ओके, अब ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अब हम समझेंगे कि ये एग्जैक्टली क्या है, या इसका महत्व क्या है, आरसीईपी की इतनी चर्चा क्यों हो रही है। इसको समझने के लिए हमें पहले थोड़ा सा जागतिक स्तर पर अलग अलग देशों के बीच में व्यापार कैसे चलता है उसको समझना पड़ेगा। अब हमें पता है किसी भी देश को अगर विकास करना है, आर्थिक प्रगति करनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जो है उसके देश में बनने वाली अलग अलग चीज़ें दूसरे देश को बेचनी पड़ेगी, करेक्ट, तभी जाके तो उसको पैसा मिलेगा। अगर मान लो भारत को आगे बढ़ना है, तो भारत को आर्थिक दृष्टि से सक्षम होना पड़ेगा। इसका ही मतलब क्या करना पड़ेगा? भारत को अलग अलग चीज़ों का निर्माण करना पड़ेगा, और वो चीज़ें अलग अलग देशों को बेचनी पड़ेगी। वो चीज़ें साउथ कोरिया को बेचनी पड़ेगी, नॉर्थ कोरिया को बेचनी पड़ेगी, ईरान को बेचनी पड़ेगी, अमेरिका को बेचनी पड़ेगी, तब जाके तो वो हमें पैसा देंगे, तब जाके तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। तो ये करने के लिए भारत को क्या करना पड़ेगा, या किसी भी देश को, उस देश की चीज़ें बेचनी पड़ेगी। इसका ही मतलब उस देश में से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, उस देश में से जो है निर्यात करनी पड़ेगी, और हो सकता है कि दूसरे देश में से उस देश को कुछ चीज़ें खरीदनी भी पड़ेगी। यानी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, एक्सपोर्ट के माध्यम से हम दूसरे देश को चीज़ें बेचते हैं, उसके बदले में हमें पैसा मिलता है, और इंपोर्ट के बदले में हम दूसरे देश से चीज़ें खरीदते हैं, उसके लिए हमारे पॉकेट में से हमें पैसा खर्च करना होता है। सो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट वहाँ पर करना पड़ेगा। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, आपको समझने के लिए, मैं इंडिया हूँ, ओके, हम इंडिया है। अब अलग अलग देशों से जो है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में अलग अलग देशों से हम चीज़ें खरीदते हैं, उन देशों को चीज़ें बेचते हैं। सपोज यहाँ पे साउथ कोरिया नाम का कंट्री है, जस्ट समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और सपोज यहाँ पे नॉर्थ कोरिया नाम का कंट्री है। अब साउथ कोरिया में से जो है टीवी बनता है, नॉर्थ कोरिया में भी मान लो टीवी बनता है। अब भारत को अगर साउथ कोरिया से ये चीज़ें खरीदनी है, यानी भारत क्या कर रहा है, इसको इंपोर्ट कर रहा है, टीवी का इंपोर्ट कर रहा है। मान लो सेम टेक्नोलॉजी वाला टीवी हम नॉर्थ कोरिया से भी खरीद सकते हैं, तो नॉर्थ कोरिया से भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। मान लो, जस्ट समझने के लिए, साउथ कोरिया वाला जो टीवी है उसकी क्वालिटी वगैरह सारा देखते हुए उसकी कीमत है 1,00,000 रुपए। समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि नॉर्थ कोरिया में भी जो टीवी बन रहा है उसकी भी कीमत है 1,00,000 रुपए, ठीक है। और मान लो भारत में भी टीवी बन रहा है सेम क्वालिटी का, जस्ट समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसकी भी कीमत है 1,00,000 रुपए। अब
सपोज हम साउथ कोरिया से टीवी खरीद रहे हैं और 1 लाख की 1 लाख में अगर वो टीवी खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, वो टीवी जो है भारत में बनने वाली जो टीवी है जिसकी भी कीमत 1 लाख रुपए है, यहाँ का सामान्य ग्राहक है, सामान्य ग्राहक के सामने ये साउथ कोरिया वाला टीवी भी होगा, इंडिया वाला टीवी भी होगा, तो हो सकता है कि वो बाहर के देश से आया हुआ टीवी है, अच्छा टीवी है, इसकी वजह से वो खरीद लेगा, यानी भारत का टीवी नहीं बेचा जाएगा। भारत का जो हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, हमारी जो जना अपन घरगुती उद्योग मंतो, यानी हमारे जो यहाँ के लोकल के जो उद्योग है, उन उद्योगों की चीज़ नहीं बेची जाएगी और दूसरे देश की चीज़ बेची जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बहुत बार देश क्या करते हैं, दूसरे देश में से अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे ही वो भारत देश में आता है हम उसके ऊपर कुछ टैक्स लगाते हैं, हम उसके ऊपर कुछ टैक्स लगाते हैं, और उस टैक्स को क्या बोलते हैं, हम उस टैक्स को बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी, हम उसे कहते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी मीन्स आयात कर, यानी अगर मान लो 1 लाख की टीवी है एक एग्जांपल के लिए, उसके ऊपर अगर 10% का इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगा, तो जैसे ही वो भारत में आएगा वो कितने रुपए में बेचा जाएगा, 1 लाख रुपए में नहीं बेचा जाएगा, क्योंकि 10% उसके ऊपर टैक्स लगा है, यानी ये जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है उसको 10% भारत सरकार को टैक्स देना पड़ा, तो उसका खर्चा टोटल कितना हो गया, 1,10,000, यानी भारत में वो टीवी बेची जाएगी 1,10,000 में। वाई, क्योंकि यहाँ पे ये टैक्स हमने वहाँ पे लगा के रखा हुआ है। मान लो नॉर्थ कोरिया से, जो ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, सचमुच का एग्जांपल नहीं है, अगर नॉर्थ कोरिया के ऊपर भी हम 10% टैक्स लगाते हैं तो उसकी भी कीमत बन जाएगी 1,10,000। लेकिन कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है, सपोज भारत ने डिसाइड किया कि हम साउथ कोरिया से भी खरीदी करते हैं और नॉर्थ कोरिया से भी खरीदी करते हैं, लेकिन साउथ कोरिया से अगर ये माल आएगा तो साउथ कोरिया हमारा दोस्त है, इसके लिए हम साउथ कोरिया को जो है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे और 10% के बजाय, मान लो एक एग्जांपल के लिए, उनके ऊपर हम सिर्फ 5% का टैरिफ, 5% का टैक्स लगाएंगे, यानी साउथ कोरिया में से चीज आएगी तो उसके ऊपर सिर्फ 5% टैक्स लगेगा, यानी वो चीज उपलब्ध होगी 1,05,000 को, और नॉर्थ कोरिया से सपोज जो चीज आ रही है उसके ऊपर हमने 10% ही लिखा तो उसकी कीमत बन जाएगी 1,10,000। यानी भारत में कौन सी चीजें ज्यादा बेची जाएगी, साउथ कोरिया वाली बेची जाएगी, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर का टैरिफ, उसके ऊपर का टैक्स, उसके ऊपर की इम्पोर्ट ड्यूटी भारत ने कम की है, भारत ने उस देश को प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दी है, करेक्ट, उस देश से व्यापार बढ़ाने के लिए भारत ने उस देश को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी है, करेक्ट, इसकी वजह से साउथ कोरिया और भारत के बीच में का व्यापार बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने अगर साउथ कोरिया के टैक्स कम कर दिए तो सिमिलरली साउथ कोरिया में हम जो चीज़ें बेचेंगे तो हम साउथ कोरिया को भी बोलेंगे, देखो तुम्हारे चीज़ों के ऊपर का टैक्स हमने कम कर दिया तो आप भी हमारे चीज़ों के ऊपर का टैक्स कम कर दो, तो वो भी चीज़ों का टैक्स कम कर देंगे, यानी भारत की चीज़ें साउथ कोरिया में बेची जाएगी, साउथ कोरिया की चीज़ें इंडिया में बेची जाएगी, और इस तरीके से भारत और साउथ कोरिया का व्यापार बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों देशों ने एक दूसरे को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी, इन दोनों देशों ने एक दूसरे के जो जागतिक व्यापार से संबंधित या द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित जो अलग अलग चीजें हैं उनके ऊपर का टैरिफ, उनके ऊपर का शुल्क, उनके ऊपर का टैक्स कम कर दिया, इसकी वजह से इन दो देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा। एग्जैक्टली जो अलग अलग तरह के ट्रेड ब्लॉक होते हैं, जैसे हम यहां पे एग्जांपल ले रहे हैं RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे तो यही तो चीज़ की कि ये 15 देश जो है जिसमें सारे के सारे आसियान नेशंस हैं, जिसमें हमने देखा चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ कोरिया है, इन 15 के 15 देशों ने डिसाइड किया कि हम 15 देशों के बीच में जो जो व्यापार होगा उस व्यापार से संबंधित, हम एक दूसरे के बीच में का जो व्यापार होगा उसमें हम टैरिफ, उसमें हम टैक्सेस कम कर देंगे, और ये अगर हम टैक्सेस कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम देशों के बीच में, यानी इन 15 देशों के बीच में, एक दूसरे के बीच में व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा।
यानी इन 15 देशों को छोड़ के अगर दूसरे देश से कोई माल आता है तो उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगेगा। अगर हम देशों हमारे बीच में यानी इन 15 देशों के बीच में व्यापार होगा तो मान लो उनके ऊपर टैक्स कम लगेगा, तो ऑटोमेटिकली इन देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा और बाहर के देश में से इन कंट्रीज में जो अलग अलग माल जो अलग अलग वस्तुएं आएंगी इसके ऊपर टैक्स ज़्यादा होने की वजह से कंपैरेटिवली उनके संबंध में व्यापार उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, राइट। सो आरसीईपी क्या है? आरसीईपी एक तरह का ट्रेड ब्लॉक है, ट्रेड यानी व्यापार, ब्लॉक यानी एक तरह का समूह। तो ये 15 देशों का समूह है जिन्होंने एक दूसरे के बीच में जागतिक व्यापार बढ़ने के लिए अलग अलग तरह के टैरिफ, अलग अलग तरह के कर, उन करों को कम किया है। इसके बारे में उन्होंने अंडरस्टैंडिंग की है और उसकी वजह से इन देशों के बीच में भविष्य में व्यापार बढ़ेगा ऐसे अपेक्षित है, करेक्ट। सो मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देने की कोशिश की कि अलग अलग देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, उसके ऊपर टैरिफ लगता है, और अगर दो देशों के बीच में या दो से ज़्यादा देशों के बीच में अगर व्यापार बढ़ाना है तो आपको इस टैरिफ को, इस टैरिफ बैरियर को, इन करों को कम करना पड़ेगा। और एग्जैक्टली यही अंडरस्टैंडिंग, यही एग्रीमेंट इस आरसीईपी में किया गया जो अस्तित्व में आया 15 नवंबर 2020 को। जैसे मैंने कहा इसमें टोटल 15 कंट्रीज सहभागी है। 2012 से इसके संबंध में चर्चा शुरू हुई थी। 2019 में बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में भारत ने निर्णय लिया कि हम आरसीईपी का हिस्सा नहीं बनेंगे एंड अल्टीमेटली 15 नवंबर 2020 से ये आरसीईपी एक्शन में आ गया। अब आरसीईपी क्यों इतना उसका हो हल्ला है? इसलिए है क्योंकि अगर हम ये 15 देश कंसिडर करेंगे जिसके नाम मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए, और इन 15 देशों की टोटल इकोनॉमी, टोटल पैसा अगर हमने एक जगह पर जोड़ लिया तो आपको पता चलेगा कि पूरे विश्व में का जो ग्लोबल जीडीपी है, यानी मान लो पूरे विश्व में का जो टोटल पैसा है, पूरे विश्व का जो एक उत्पन्न है, सो उस उत्पन्न का ऑलमोस्ट 1/3, पूरे उत्पन्न का, पूरे देश, पूरे विश्व में तो जो है 200 से ज़्यादा कंट्रीज हैं, और उन 200 से ज़्यादा कंट्रीज में से सिर्फ इन 15 कंट्रीज का अगर हम जीडीपी देखेंगे और उनको जोड़ेंगे तो पूरे विश्व के जीडीपी के 1/3 से भी ज़्यादा जीडीपी सिर्फ इस आरसीईपी में सहभागी राष्ट्रों का है। यानी ऑटोमेटिकली इन देशों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ेगी, इन देशों के बीच में व्यापार बढ़ेगा, तो जो है विश्व का बहुत सारा जीडीपी उसमें इन्वॉल्व होगा, 1/3 ऑफ जीडीपी। सिमिलरली इन 15 देशों की लोकसंख्या, जनसंख्या अगर हम जोड़ देंगे तो 1/3 से भी ज़्यादा विश्व के टोटल पॉपुलेशन की पॉपुलेशन इन 15 कंट्रीज में ही आपको मिलेगी। यानी इसका मतलब डिमांड, ज़्यादा लोग रहेंगे तब जाके ये ज़्यादा चीज़ें वो जो है खरीदेंगे और व्यापार भी वहाँ पे बढ़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो जो कंट्रीज़ है ये कोई छोटी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आसियान नेशंस, छोटे छोटे जो राष्ट्र है यहाँ पे, इंडोनेशिया जैसे, थाईलैंड जैसे, वियतनाम जैसे, जो आसियान का हिस्सा है, पिछले एक दो दशकों में जो है जागतिक स्तर पर दीज आर कंसिडर्ड एज इमर्जिंग इकोनॉमीज। बहुत ज़्यादा व्यापार वहाँ पे होता है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का निर्माण वहाँ पे होता है, सो दीज आर द इमर्जिंग मार्केट्स। सो आरसीईपी बनने की वजह से इनमें सहभागी जो देश है वहाँ पे उनको फायदा होगा, क्योंकि विश्व का 1/3 ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 1/3 ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन एंड इमर्जिंग मार्केट्स लाइक आसियान, ये आरसीईपी में सहभागी है। तो अगर भारत इसमें सहभागी होता, अगर आरसीईपी का भारत हिस्सा होता तो क्या होता? भारत को ये फायदा मिलता कि ये इमर्जिंग कंट्रीज लाइक आसियान, उसके साथ ही टोटल विश्व की 1/3 पॉपुलेशन जिसका हिस्सा है, टोटल विश्व का 1/3 ग्लोबल जीडीपी जिसका हिस्सा है, उस ग्रुप में हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करने को मिलता। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी हम जो है ये कंट्रीज से व्यापार नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन ये कंट्री क्या करेंगे, ये कंट्री जो है जो उस ग्रुप वाले कंट्रीज़ को जो कंसेशन मिलता है, जो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है, वो भारत को वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देंगे, वो जो है नॉर्मल वाले ही कर भारत के ऊपर लगाएंगे। इसकी वजह से भारत और इन देशों के बीच में व्यापार बढ़ाने में कुछ दिक्कतें वहाँ पर आ सकती है, करेक्ट। सो आरसीईपी में अगर भारत सहभागी होता तो क्या एडवांटेजेस मिलते, ये एडवांटेजेस मिलते, इस तरह की बात वहाँ पे कही जा रही है।
तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि भारत इसमें सहभागी क्यों नहीं हुआ। भारत सहभागी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारत ने टोटल कैलकुलेशन कंसिडर किया कि भारत अगर इसमें सहभागी होता है तो भारत का फ़ायदा क्या होगा, और भारत सहभागी नहीं होता है तो भारत का नुकसान क्या होगा। अगर भारत इसमें सहभागी होता तो भारत का जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में और डेयरी सेक्टर, दुग्ध उत्पादन और कृषि क्षेत्र में भारत का नुकसान होता, ऐसे कुछ जो है एक्सपर्ट्स का कहना है। जैसे अगर RCEP का भारत हिस्सा होता तो क्या होता, जैसे मैंने कहा कि ये जो 15 कंट्रीज़ हैं इनसे भारत में आने वाले माल पर हमें कम से कम टैक्स लगाना पड़ता, और ये RCEP कंट्रीज़ में कौन से कंट्रीज़ हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे न्यूजीलैंड है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, उसका निर्माण बड़े पैमाने पे होता है, और सिर्फ उसका निर्माण बड़े पैमाने पे नहीं होता है तो विश्व में अलग अलग जगह पर ये चीज़ें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बेचता है। भारत ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड से विश्व स्तर पर कॉम्पीट करता है। अब मान लो अगर हम RCEP का हिस्सा होते तो हमें क्या करना पड़ता, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में तैयार होने वाले जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जो अलग अलग दुग्धजन्य पदार्थ से बनने वाले अलग अलग जो पदार्थ हैं, वो भारत में अगर बेचने के लिए आते तो उसके ऊपर हमें टैक्स कम करना पड़ता। अगर उसके ऊपर टैक्स कम है तो क्या हो जाता, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डेयरी प्रोडक्ट्स भारतीय मार्केट में आपको ज़्यादा मिलते। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी कंपैरेटिवली अच्छी है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर का टैक्स हमने कम करके दिया हुआ है, तो वो सारे प्रोडक्ट्स जो है डेयरी प्रोडक्ट्स भारत के मार्केट में आपको ज़्यादा मिलते, और हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हमारा जो डेयरी सेक्टर है, उसके ऊपर उसका विपरीत परिणाम होता। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर पे, डेयरी सेक्टर पे RCEP में सहभागी होने से भारत का नुकसान होगा, ऐसा एक कयास माना जा रहा था। सेम इज़ ट्रू अबाउट MSME सेक्टर, लघु उद्योग जो है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। हमारे जो लघु उद्योग है वहाँ पे जो अलग अलग चीज़ें हम बना रहे हैं, अगर हम RCEP का हिस्सा होते तो सेम चीज़ चाइना से जो है बहुत सारी चीज़ें भारत में आती, उसके ऊपर का टैक्स अगर हमने कम कर दिया तो ये सारे चाइनीज़ माल जो है वो भारतीय मार्केट में बड़े पैमाने पे होता, और वो सस्ती वाली चीज़ें जो है भारतीय मार्केट में बेची जाती। उसका परिणाम ये कि भारत में बनने वाली जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को जो है मार्केट नहीं मिलता। यानी चाइनीज़ गुड्स वुड हैव फ्लडेड इंडियन मार्केट्स, और इसमें नुकसान किसका होता, जो हमारे गृह उद्योगी है या हमारे छोटे जो उद्योग हैं उन छोटे उद्योगों का बड़े पैमाने पे उसमें नुकसान होता, ऐसा माना जा रहा था। ऑलरेडी हमने यहाँ पे दैट इज सेकेंड पॉइंट, यानी भारत इसमें सहभागी क्यों नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि भारत के डेयरी सेक्टर का और एग्रीकल्चर सेक्टर का नुकसान होता, क्योंकि चाइना से जो है जो कम कीमत वाले माल बहुत ज़्यादा पैमाने पे इंडियन मार्केट्स में फ्लड करते और भारतीय उद्योगों का उसमें नुकसान होता। जिसका और एक खामियाजा हमें भुगतना पड़ता कि हमारा मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत वाला जो सारा कंसेप्ट है उसके ऊपर उसका विपरीत परिणाम होता। दैट इज सेकेंड थिंग। थर्ड थिंग, ऑलरेडी ये RCEP में के जो 15 राष्ट्र हैं उनमें से 11 राष्ट्रों के साथ ऑलरेडी भारत का बायलैटरल द्विपक्षीय, ग्रुप का हिस्सा हम नहीं है बट द्विपक्षीय ऑलरेडी हमारे उनके साथ करार है कि आप हमारे देश में चीज़ बेचोगे तो उसके ऊपर का जो है टैक्स कम करेंगे, हम हमारे देश में बेचेंगे तो उसके ऊपर का टैक्स हम कम करेंगे, कुछ चीज़ों से संबंधित, सारे के सारे चीज़ों से संबंधित नहीं। तो ऑलरेडी इन 11 देशों के साथ हमारा करार है, बट ये करार होते हुए भी उसमें से भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, उन 11 देशों को ही हमसे जो है ज़्यादा फ़ायदा हुआ। तो वो कंसिडर करते हुए भी हमने RCEP में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं, ये भी एक बड़ा इशू वहाँ पर था। देन देर इज़ अनदर इशू दैट इज़ नोन एज रूल्स ऑफ ओरिजिन इशू। ये बदमाशी करते हैं, जैसे चाइना वाला कंट्री, चाइना क्या करेगा, चाइना को पता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर भारत में से चाइना को माल आएगा तो जो है चाइना को उसके ऊपर का टैक्स कम करना पड़ेगा। तो वो क्या दिखाता है, वो जो है चाइना वाला सारा माल बनाता है और जो लास्ट स्टेज होता है उसके प्रोडक्शन का वो किसी तो भी बांग्लादेश में या किसी तो भी दूसरे कंट्री में जो है वो बनाता है और वहाँ से उन चीज़ों का एक्सपोर्ट करता है। तो दुनिया को दिखाने के लिए चाइना बोलेगा कि ये तो प्रोडक्ट जो है मेड इन बांग्ला है, बट मेड इन बांग्ला नहीं है, वो सारा प्रोडक्ट चाइना में ही बना है, सिर्फ लास्ट स्टेज में बांग्लादेश में लाके उसको वो बेचा है। तो ये चाइना ये ऐसा क्यों करेगा, इसलिए करेगा सो दैट जो टैक्सेस है वो टैक्सेस उसके बच जाए, सो दैट उसका माल जो है वो दूसरे देशों में सस्ते कीमत में वहाँ पे पड़े जाए और
टैक्स उसके ऊपर ना लगे और उसके बदले में जो है ज़्यादा से ज़्यादा फायदा चाइना को हो। इसे हम कहते हैं रूल्स ऑफ ओरिजिन इशू। उससे संबंधित भी कुछ दिक्कतें भारत के साथ थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम चाइना के साथ का फॉरगेट अबाउट आरसीईपी, उसके पहले वाला भी अगर हम देखेंगे तो आज अगर हम कंसिडर करेंगे तो चाइना को हम अलग अलग चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना से अलग अलग चीज़ें हम खरीदते भी हैं, और इन दोनों का गैप हम देखेंगे, इसका मतलब हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उसके बदले में हमें पॉकेट में पैसा मिलेगा, अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे पॉकेट में से निकाल के देना पड़ेगा। भारत की अगर हम बात करेंगे, अगर हम चाइना के साथ का कंसिडर करते हैं तो रफली पिछले साल 56 बिलियन डॉलर्स 56 बिलियन डॉलर्स इतना जो है भारत का ट्रेड डेफिसिट रहा है, भारताची व्यापार तूट, इसका मतलब इतना माइनस में हम रहा है, यानी हमारे पॉकेट में से निकाल के चाइना को हमें देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनसे हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। अगर आरसीईपी का हम हिस्सा होते तो ये ट्रेड डेफिसिट और बढ़ता। क्यों? क्योंकि चाइना का और ज़्यादा माल भारत में आता और उसके ऊपर टैक्स भी हम ज़्यादा नहीं लगा पाते, तो हमारा ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ और बढ़ता। ऑलरेडी चाइना के साथ जो है हमारा जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से संघर्ष भी चल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को इकट्ठा देखते हुए भारत ने आरसीईपी में शामिल ना होने का निर्णय वहाँ पे लिया। हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा डेयरी सेक्टर, हमारा चाइना के साथ बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट, हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस सेक्टर, उसके संबंध में अलग अलग चीज़ें, रूल ऑफ ओरिजिन से संबंधित हमारे कंसर्न्स, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भारत ने आरसीईपी में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया। नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब भारत ने सहभागी नहीं हुआ, इसका मतलब जो है मामला खत्म हो गया क्या? भारत कभी भी सहभागी नहीं होगा क्या? नो, एब्सोल्युटली नॉट। जापान और ऑस्ट्रेलिया तो चाहते हैं कि भारत जो है आरसीईपी में सहभागी हो, और इसके लिए उन्होंने भारत को कहा कि हमारे आरसीईपी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार कम से कम 18 महीनों का आपने जो है प्रायर नोटिस देना चाहिए, तभी जाके आप सहभागी हो सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत को अगर आरसीईपी में सहभागी होना है तो हम ये कंडीशन आपके लिए डाइल्यूट करते हैं, आपको 18 महीने इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। मान लो नेक्स्ट मंथ अगर आप आरसीईपी में शामिल होना चाहते हो तो हम आपको अलाउ करेंगे, यानी अभी भी आरसीईपी में शामिल होने का रास्ता भारत के लिए खुला है, जब कभी अगर भारत चाहता है उसमें सहभागी होना है तो। सेकेंड थिंग, रादर दैन आरसीईपी में शामिल होने के बजाय उसके बीच में जो 15 कंट्रीज़ है उसमें के हमारे काम के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ 1-to-1 डील हम कर सकते हैं, 1-to-1 बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उन देशों के साथ हम कर सकते हैं, उनके साथ जो है हम व्यापार कैसे बढ़ाएं इसके संबंध में भी जो है हम चीज़ें बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली भारत का जागतिक व्यापार में स्थान बढ़े इसके लिए हम जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन, इनके साथ में भी जो है हम सेपरेटली करार कर सकते हैं जो आरसीईपी का हिस्सा नहीं, और उसके माध्यम से भी जो है हम हमारा व्यापार बढ़ा सकते हैं। यानी अभी भी आरसीईपी में शामिल ना होते हुए भी भारत के पास अभी भी अलग अलग ऑप्शंस उपलब्ध हैं। तो ये आरसीईपी वाला इशू जो है इम्पोर्टेंट है फ्रॉम एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट के MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे मैंने कहा कितने कंट्रीज़ हैं, इतने कंट्रीज़ हैं, 15 कंट्रीज़ हैं। कब से इसकी चर्चा शुरू हुई? 2012 से हुई। भारत ने बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में बाहर निकलने से निर्णय लिया, 15 नवंबर 2020 को ये अस्तित्व में आया। इसमें सहभागी जो देश है रफली 1/3 GDP, 1/3 ग्लोबल पॉपुलेशन, आसियान समावेश। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं इससे संबंधित आपको करंट अफेयर से रिलेटेड MCQ पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आरसीईपी में भारत सहभागी होता तो उसको क्या एडवांटेजेस मिलते, आरसीईपी में भारत ने सहभागी न होने का क्यों निर्णय लिया, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ इंडिया, इस एंगल से अगर हम ये टॉपिक समझेंगे तो ये हमें समझ में भी आएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी तैयारी पूरी तरीके से हो जाएगी। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट द टॉपिक रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। WTO के नाम की संस्था जो है दिन ब दिन उसका अस्तित्व या उसका इन्फ्लुएंस जागतिक व्यापार पे कम हो रहा है, और उसके बदले में इस तरह के बड़े बड़े ट्रेड ब्लॉक, दिस इज द लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक आज घड़ीला, एज ऑन डेट पूरे विश्व में लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक अगर कोई है तो वो है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप।
बट आने वाले समय में जैसे आरसीईपी हुआ वैसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है, ट्रांस अटलांटिक इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है, इस तरह के अलग अलग ट्रेड ब्लॉक्स भी जो है आरसीईपी को कॉम्पीट करेंगे, इस तरह की भाषा बोली जा रही है। ओके, सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप।